तो फिर माना है कि बलंदी
हुसैन का सीना वो बुलंदी है जिसके आगे शाय का तसव्वुर भी हराम है। जब शिमर हरामी मेरे वाला के सीने में सवार हुआ, हुसैन की आंखें बंद थी, इधर ये बैठा आंख खुली। मैं मनांता लगे तबे तब मरता मन अजीमा, और कौन गुस्ताख है तू अजीम बुलंदी पे चढ़ के बैठ गया। अजीम बुलंदी पे बैठा है, अब हुसैन का सीना है अजीम बुलंदी जो इसके भी ऊपर रहती है। एबीपीवी जो इशारा पढ़ा है उसमें तो कुछ नहीं पढ़ रहा है। अच्छा सर उठाओ मेरी आंख बना के देखो, अब ये बात आपने समझ ली कि फातिमा भी यही, सकीना भी यही, रुकैया भी यही। इख्तिलाफ रिवायात नहीं, इख्तिलाफ अलकाब है। और जितनी जात बड़ी हो लकब उतने ज्यादा हो। ये जो दोनों लकब हैं इस जात किबरिया सिफात के उनमें है क्या? पहला लकब है सकीना। मैं अदद बताऊंगा, मुझे जमा करके बताना। सीन के साथ लबे वाले काफ के 20। हाँ ऊंचा ऊंचा जमा करते हो, कितना हो गए? ये के 10, नून के 50, के 5, 145, 1, 4, 5, 5, 10 नुक्ता गिना नहीं जाता, यानी लकब में ही वहदत छुपी हुई है। हाँ
40 मर्तबा ज़बान में मोहम्मद का जौहर चूसा है। वो ज़बान कह रही है ये सकीना है। हुसैन ने बेटी को लकब हो दिया जो अल्लाह का हमनाम था। बताना चाहता था हुसैन हम जैसे पीरों को बच्ची न समझना, कायनात की निगरान है। इसमें अल्लाह के दो नाम जमा है। यार मैं जंगल में तो नहीं ना पढ़ रहा, आबादी में पढ़ रहा हूँ। मानने वाले ही बैठे मेरे सामने, कदम पर पड़ता शीनों के लिए है।
मैं किसी और के लिए पढ़ता हूँ, मैं किसी और को वैसे मतलब फिर होने की जरूरत है, लेकिन शियों के घर पैदा होने वालों को मैं शिया नहीं मानता। जो शियों के घर रहेंगे 14 को सोचता नहीं मानता है उसे शिया नहीं। रुकैया में दो नाम, बताऊं अल्लाह का एक नाम है नाफे, नफा देने वाली जात। इसके अंदर बताता हूं, जमा करके रखना, नून के 50, अलिफ का 1, फे के 80, 131 हिसाब में रेडी करवाना, ऐन के 70, 201, अल्लाह के इस्म नाफे के अदर 201, यही याद रखना भूलना नहीं। अल्लाह का एक नाम है जामेर, जिसमें सारी सिफात जमा हो जाए उसे जामे कहते हैं। बात रुकैया की है, इस्तकाम से निकला है, बुलंदी पे ही जाना है, पाताल में तो नहीं गिर ना होना। 201 नाफे के, और जामे उसका नाम है, जरा इसके अंदर निकाले, जीम के 3, अलिफ का 1, मीम के 40, ऐन के 70, 114, 201 और 114, 315, जो रुकैया की आदत थे, ये दो नाम मिलके हम आदत। जमा करने वाली जात, इसकी अदद 114 अभी निकाले थे, याद है ना दिशा, और कुरान की सूरतें भी है 114। यानी ये तो मैं मुफ्त में तोहफा दे रहा हूं, पूरा कुरान पढ़ लो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, समझो पूरा कुरान पढ़ा गया, और जैसाली की छोटी पोती के आधे नाम में पूरा कुरान कहीं फातिमा, सकीना, रुकैया
इन तीन में से कोई लफ्ज आए समझ लेना इसी बीबी की बात हो रही है। और ये मैंने आप मुफ्त में इनकी बदलाशा खैर खाली कर दी, बता दिया। अब आओ एक जुमला कहना है, मुझ पे बरसों से इल्जाम है मैं तहजीब को नहीं मानता। एक मुजतहिद की बात तो मैं सुनाने लगा हूँ और मुजतहिद आमी नहीं है भी सैयद मुजतहिद, नाम है अल्लामा अहमद नजफी। उन्होंने एक जुमला लिखा है, कीमत है जेब में तो सुनाऊ। अगर आज से पहले ये मजलिस सुनी है या इस वक्त कोई जुमला तो पढ़े हो जाओ, और अब जो पढ़ने लगा हूँ जो मैं खुद जिंदगी में पहली बार पढ़ने लगा हूँ, तो अब कोई पढ़ेगा तो मेरी केसन सुन के पढ़ेगा। जब मैं पहली बार तुम्हें ये तोहफा देने लगा हूँ तो कीमत मेरी मर्जी की होगी, ठीक है भले जो नहीं बोल रहे खरीदना नहीं चाहते या कीमत नहीं है। उन्होंने इस बीबी के अलावा रुकैया पे बात की है और कुछ फिक्र लिखे हैं। सर उठाना वो फरमाते हैं, युफ़ज़ी अलैहा ज़िक्रुस्सय्यदत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा अज़मत व जलाल व हैबत। उसे मशवरा वो काम का बहाना बना के उठ जाए।
के साथ जो भी होगी उन्होंने अदरा कुल हो अल्लाह के कलमे में कुल होबा अल्लाह अहद कलमे चार थे बीबी की उम्र भी चार साल लेकिन इसमें लातादाद मानी छुपे हैं कबीर हकीकतें छुपी हैं जिस तरह इस आयत में लातादाद हकीकतें हैं इस छोटे से तावीज में भी कभी ज्यादतों पे गए हो बिक रहे होते वहां इतनी सी टुकड़ी होती है और वो बताते इसमें पूरा कुरान लिखा हुआ है नहीं 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 फिर ये मेरी लड़कपन से आदत है जो इस घराने पे हैरान होता है शिया होकर मैं उस यहाँ पे फाड़ दिया करता हूँ इतने से तावीज में कुरान आ सकता है ना ये हुसैन के सीने का तावीज है सिर्फ कुरान नहीं है हुसैन से लौहे महफूज समझ कर सीने पर है